केंद्र सरकार इन दिनों आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है। 75 सप्ताह तक चलने वाले इस कार्यक्रम के दौरान हम आजादी के जन नायकों से नई पीढ़ी को परिचित करा रहे हैं। आजादी के सफर के आज की कड़ी में हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम के वीर योद्धा स्वामी श्रद्धानंद और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चौधरी चरण सिंह के बारे में। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। आज की कड़ी में हम चर्चा करेंगे स्वतंत्रता संग्राम के वीर योद्धा स्वामी श्रद्धानंद की, जिनका 1926 में 23 दिसंबर को निधन हो गया था। आर्य समाज के सन्यासी के रूप में स्वामी श्रद्धानंद ने दयानंद सरस्वती की शिक्षाओं का प्रचार किया और 1920 के दशक में समाज सुधारों के लिए काम किया। उन्होंने 16 मई 1900 में गुजरावाला में गुरुकुल की स्थापना की, जिसे बाद में हरिद्वार स्थानांतरित कर दिया गया। समानो मंत्र समीति समानी, समानं मनस सह चित्तमेषां, समानं मंत्रं अभिमंत्रये। वर्ष 1919 में स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान वे गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन में उतर आए। उन्होंने रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आयोजित करने में मदद की। गांधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने दिल्ली में एक विरोध मार्च का नेतृत्व किया और जब एक सैनिक ने भीड़ पर गोली चलाने की धमकी दी तो वे सीना तान कर खड़े हो गए और उसे गोली चलाने की चुनौती दी। एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने हमेशा गरीबों की हालत में सुधार के लिए काम किया। महात्मा गांधी के शब्दों में वे एक नायक की तरह जिए और एक नायक की तरह ही शहीद हुए। हम स्वतंत्रता सेनानी और भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भी याद करते हैं, जिनका जन्म 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ था। चरण सिंह ने स्वतंत्रता के लिए अहिंसक संघर्ष में महात्मा गांधी का अनुसरण किया। 1930 से 1947 तक ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष में उन्होंने कई वर्ष जेल में बिताए। आजादी के बाद चरण सिंह ने अपना जीवन किसानों के लिए समर्पित कर दिया। उन वर्गों का जिक्र कर रहा था जिनकी तरफ गवर्नमेंट को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत। उन्होंने 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और 1979 में भारत के 5वें प्रधानमंत्री बने। आदिवासी लोग, भूमिहीन लोग, बेरोजगार लोग या जिनके पास कम रोजगार, और अपने देश के 50% से अधिक किसान जिनके पास 4 बीघे जमीन से कम है, इन सब की तरफ गवर्नमेंट का विशेष ध्यान होगा। हम इस महान राष्ट्रवादी और किसानों के नेता को सलाम करते हैं।